नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। उच्च शिक्षा के लिए भूल कर भी ना जाए पाकिस्तान, मान्य नहीं है डिग्रियां। यूजीसी और AICTE ने भारतीय छात्रों को किया आगाह। राजीव कुमार ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, अगले महीने से सुमन बेरी संभालेंगे पदभार। हेट स्पीच मामले में दिल्ली पुलिस को बेहतर हलफनामा दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दो जजों की बेंच ने जताई नाराजगी। IIT मद्रास ने कोरोना संक्रमण का सस्ता इलाज ढूंढा, मरीजों पर प्रभावी मिली इंडोमिथासिन दवा। भारत और ब्रिटेन में दिवाली तक होगा FTA। पीएम मोदी और जॉनसन ने अपने संबंधित मंत्रियों को दिया निर्देश। महिलाओं के विरुद्ध अपराध पर एक्शन में योगी सरकार, 6 महीने में 5 को मृत्युदंड और 300 को उम्र कैद की सजा दिलाने को प्रभावी पैरवी का लक्ष्य। प्रयागराज में बड़ी वारदात, एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या, युवती से दुष्कर्म की आशंका। लखीमपुर में शिक्षिकाओं की घिनौनी करतूत, तबादला रुकवाने के लिए 20 छात्राओं को बनाया बंधक। SC ST की छात्राओं को इंजीनियरिंग कॉलेजों में 1 रुपए में मिलेगी तकनीकी शिक्षा, यूपी सरकार बना रही प्रस्ताव। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार यूपी में स्कूली वाहनों की फिटनेस जांच शुरू, 1 हफ्ते तक चलेगा विशेष अभियान। चीन ने सुलेमान द्वीप पर बनाया अपना नेवल बेस, तो उसका जवाब देगा अमेरिका, बीजिंग को US की चेतावनी। रूस ने आखिर जाहिर की अपनी मंशा, कहा दक्षिण यूक्रेन पर कब्जा करना उसका लक्ष्य, UN प्रमुख मॉस्को में करेंगे राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात। जर्मनी यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए अतिरिक्त 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर करेगा आवंटित। श्रीलंका में 21.5% हुई मुद्रा स्फीति की दर, खाने पीने की चीजें हुई काफी महंगी। अमेरिका का दावा, रूस नहीं होगा भारत का सबसे विश्वसनीय साझेदार, रक्षा जरूरतें पूरी करने को उठाएगा अतिरिक्त कदम। राजस्थान के खिलाफ मैच में हाई वोल्टेज ड्रामा, बीच मैच में अपने बल्लेबाजों को बुलाने लगे ऋषभ पंत। जोस बटलर ने लगाया IPL के सीजन का 3रा शतक, लगा दी रिकॉर्ड्स की छड़ी। सचिन तेंदुलकर ने T20 क्रिकेट को क्रूर प्रारूप करार दिया, कहा छोटी गलतियां भी पड़ती हैं भारी। क्रिसलिन ने कहा खेमों में बटी हुई नजर आ रही है मुंबई इंडियंस की टीम। दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच रिंकी पोंचिंग के परिवार का 1 सदस्य कोरोना पॉजिटिव निकला। प्राइम वीडियो की चर्चित वेब सीरीज के 3रे सीजन की तैयारियां जोरों पर, सेट से लीक हुई अमित साध की तस्वीर। सलमान खान की कभी ईद कभी दिवाली से बाहर हुए अरशद और श्रेयस, आयुष शर्मा की हुई एंट्री। पायल रोहतगी के बॉयफ्रेंड संग्राम सिंह ने साधा मुनव्वर फारूकी पर निशाना, बताया लॉकअप की मंत्रा। कभी सुसाइड करना चाहते थे मनोज वाजपेयी, आज है इंडस्ट्री के टॉप एक्टर, 53वां जन्मदिन मना रहे हैं आज।
ने ट्रोलर्स को लगाई लताड़, ट्वीट कर दी आखिरी चेतावनी। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।